जगबाणी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पंजाब ते छड्डो पूरे देश भर के हालात की ने सब नूं पता है। कोविड आया सी ते 2 साल लोगों ने अपने पिंडे ते हंडाया, उसका असर हाले भी जिहड़ी पीढ़ी है साडी नौजवान पीढ़ी कह लिए जां बच्चे ने उन्हां ते हाले भी उसका असर हैगा। ते कईआं दे तां मापे इस दुनिया तो रुखसत हो गए ने ते उन्हां नूं संभालण वाला कोई नहीं है। सवाल है सरकारां ने की कीता ते असी की कीता। जिहड़ियां संस्थावां ने उह जूझ रहीआं ने कि कोविड दे कारण जां होर मजबूरियां जिहड़ियां आर्थिक तंगियां दे कारण लोकां नूं सामना करना पैंदा, बच्चियां नूं उन्हां नूं बणदा हक नहीं मिलदा पिया, उन्हां दी जिहड़ी पढ़ाई है उन्हां नूं नहीं मिलदी पई, उह किवें मिलणगीआं। इन्हां चीज़ां नूं लै के काफ़ी संस्थावां सरगर्म ने, काफ़ी लोक इनिशिएटिव लैंदे पए ने। साडे नाल मौजूद ने कुछ लोग जो कि बच्चों की दा दर्द समझते ने, उन्हां दे नाल बैठना चाहते ने, उन्हां दी सहायता करना चाहते ने। गलबात करांगे हैल्पिंग फीट जो कि एक इनिशिएटिव लिया गया एक संस्था दे वल्लों, कुछ एक बच्चों दे वल्लों उन्हां दे नाल गलबात करांगे। पहला बच्चों दे माता पिता दे नाल, माता दे नाल, मां दे नाल गलबात करांगे। मैम स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रितु भाटिया है। तो आज मेरे इत्थे बच्चे, मेरा बेटा सुमेर भाटिया है, फाउंडर है हेल्पिंग फीट इनिशिएटिव दा। तो अज इस इनू असी इनकरेज करन इत्थे आए हैं कि ये इनिशिएटिव सुमेर ने लिता जो कोविड 19 जो देख रहे थे कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे एसफेल्ट रोड ते, हॉट रोड्स ते वॉक कर करके अपने घरों पिंडा नू जा रहे हैं। तो वो दिल च दुख रहा है कि हो रहा है। उस तो बाद भी काफ़ी असी देखते रहे ओवर टाइम कि कई लोगों के बच्चे, माँ बाप चले गए कोविड नाल। चलो साड़ी सरकार ने कुछ किया उन्होंने बारे, बट जिहड़े बच्चे हुण जिहड़ियां आपां तुसीं देखो हुण गरीबी इन्नी वध गई है, तो जिहड़े बच्चे पहला स्कूल जाते सी ते हुण उह स्कूल भी नहीं जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्हां कोल तुहाडे पैसे नहीं है, पेरेंट्स कोल पैसे नहीं है। वह कहिंदे स्कूल चाहे फ्री होए सरकारी, पर जे तुहाडे कोल पैसे ही नहीं है तो तुसीं स्कूल जाके की करना है, तुसीं गरीबी तुसीं अपने भीख ही मंग लो। तो वो बच्चे भी नंगे पैर घूम रहे हैं। तो जदों असीं उन्हां नूं पुछ रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि जी पैर नूं तां पैर च की पावांगे, जूते तां है नहीं, खाण नूं नहीं है, होर तुसीं दसो। तो ये जिहड़ा इनिशिएटिव है, ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टड परसन। तो उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया कि जिथे असी गरीब बच्चों नू शूज़ प्रोवाइड करांगे। बट एक जिहड़ा अज दा असी साडा मोटिव है वो जूते खरीदन दा नहीं है। अज सिर्फ असी एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि दिलां च तुहाडे सानू सारिआं नू अवेयर कर रहे हैं। जिहड़े आपां इन्ने वेल टू डू फैमिलीज़ दे लोग है जिथे इन्नी वधिया वधिया एग्जीबिशनस ते आने आ, इन्ने पैसे ला लैने आ, पर असी वो बच्चा जिहड़ा सड़क ते भीख मांग रहा उहनू नहीं देखदे पए कि उहदे कोल पाण नू पैर च जूते हैं कि नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, खेडां खिडावांगे ते लोकां नाल गल करांगे, बस यही काम है। सुमेर दे नाल गल करदे हैं। सुमेर, कैसे देखते हो आप इस चीज़ को, आपने कैसे इनिशिएटिव लिया, क्या आपके मन में आया या आपने क्या आँखों से देखा? सो अगर आप देखा, अगर देखा जाए ना, आज इंडिया में ओवर 115 मिलियन चिल्ड्रन डोंट हैव एक्सेस टू शूज़, जूते ही नहीं इनके पास। यू नो, आप सोचो इसके बारे में। अब अगर इतनी गर्म गर्म सड़कों पर जाना पड़ता है इनको जस्ट टू गेट टू स्कूल, अच्छी एजुकेशन के लिए, चलो वो जा ही नहीं पाते, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है ये। और देर ओवर हंड्रेड्स ऑफ इलनेसेस, एलमेंट्स, प्रॉब्लम्स, लाइक बीमारियाँ हो जाती हैं लोगों को। आपने अपनी आँखों से देखा किसी ऐसे बच्चे को? ऑफकोर्स, हाँ जी। अगर आप 35 में ही जाए, 35 के मार्केट के बाहर ही कई लोग, कई बच्चे भीख मांगते हैं वहाँ पे, उनके पास जूते नहीं है। अगर आप नए गाँव जाए चंडीगढ़ के बाहर, वहाँ पे बच्चों के पास जूते नहीं है। ये बहुत मेरे दिल में बहुत लगता है। ये पहले दिन जब आपने देखा तो क्या आपने फील किया? मुझे तो सैडनेस ही हुई थी बहुत। मैं बिकॉज़ जब मैंने जब पहली बार देखा था, मैं तो बच्चा ही था, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था इसके बारे में। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे बड़ा गंदा लगा। बिकॉज़ जैसे कि मेरी मामा ने बोला है, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, खाना दिया है, जूते दिए हैं, बट कई लोगों के पास ये होता नहीं है। एंड मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव देम वॉट आई हैड। तो आपने अपने पेरेंट्स से बात की इस चीज़ को लेकर कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हो? यस, मैंने उनसे बात करी और मम्मा ने तो डेफिनेटली मुझे बहुत सपोर्ट करा है इसमें। वो तो जंप हो गई उस पर कि आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं, और हमने ये थोड़े महीने पहले स्टार्ट करा था और हमारा अच्छा जा रहा है बहुत। तो अब तक
अब तक का क्या कैसे रिस्पांस रहा जो आपको मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है अभी तक, बिकॉज हमें बहुत सारे लोकल बिजनेसेस, मोनिकास पुडिंग्स एंड पाइज, उन्होंने हमें हेल्प करा है. यू नो मिस्टर एच एस लक्की, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करा, इज द फॉर्मर डेप्यूटी मेयर ऑफ चंडीगढ़, शी इज रियली हेल्प्ड अस. एंड मिसेज रश्मि बिंद्रा हैज ऑल्सो रियली हेल्प्ड अस, उन्होंने आज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा एंड शी गेव अस यू नो अ वंडरफुल पोजिशन एंड अ वंडरफुल स्टॉल. उन्होंने बहुत हेल्प करा है हमारा मैसेज यू नो लोगों को दिलाने का. हमें हम सब We want every single Indian to know why podiatric health, why wearing shoes is important. आपको लगता है अगर shoes आप provide कर रहे हो बच्चों को, आगे क्या आपका हो सकता है motive, क्या आपका mission है, क्या vision है इन चीज़ों को लेकर? You know, पहले तो हम चंडीगढ़ में करना चाहते हैं, हम बच्चों को देना चाहते हैं जूते, but उसके बाद अगर ये अच्छा जाता है, because God अगर भगवान की दया हो तो अगर अच्छा चल जाए तो हम पूरे इंडिया में भी इसको लेके जाना चाहते हैं. हम वी वॉन्ट टू सी अ शू ऑन एवरी सिंगल इंडियन चाइल्ड. तो इन्हें साथियों के नाल भी गलबात करांगे, बेटा कैसे देखते हो आप भी इनके साथ काम कर रहे हो? इंडिया दे विच 115 मिलियन जिवें समेर ने कहा बच्चे रहिंदे ने जिहड़े पावर्टी लाइन तो बिलो रहिंदे ने, ते हर साल पूरी दुनिया 350 मिलियन जुत्ते ने जिहड़े डिस्कार्ड हुंदे ने, जिहड़े आराम नाल जिन्हां दी मोस्टली सारिआं दी सोल्स हुंदीआं ने ठीक हुंदीआं, जिहड़े पानी लायक हुंदे ने, बट ओह सारे डिस्कार्ड हुंदे ने. जे इही असीं अपने शूज़ बच्चिआं नूं देईए ते असीं सट्टीए ना, हर बंदे कोल तीन ते चार पेयर तां जुत्ते दे हुंदे ने, ते असीं आउटग्रो कर जांदे आ, कोई चंगे नहीं लगदे शूज़, असीं ओह शूज़ दे सकदे. जिवें समेर भाटिया ने बहुत वधिया इनिशिएटिव शुरू कीता है, ते बहुत ज़्यादा लोग ने इंडिया च भी ते बाहर भी, ते असी एक्सपैंड करना चाहवांगे पूरे इंडिया च, ते बहुत लोगों नू हेल्प करना चाहते हैं. तुसी डाटा जेड़ा है लिया वा कित्थों लिया, नेट तो लिया या किने हेल्प कीती तुहाडी? नेट ने हेल्प कीती, ते एक रिपोर्ट इहदे च WHO दी भी है. तो पूरी दुनिया के 1.5 बिलियन लोग ने जोड़े इनफेक्टेड ने इस टाइम, जोड़े बीमारियां ने जी जुत्ते पान करके ठीक हो सकती है, जो जुत्ते पाओगे तो बीमारियां नहीं लगनिया. 1.5 बिलियन पीपल इनफेक्टेड ने, तो दुनिया है ही अपने को 7 बिलियन पीपल, तो 1/7 पीपल तो अपने इनफेक्टेड ही ने जी चीज़ा ना, तो जे वो शूज़ पागे तो देखो कि बैटर हो सकता है. बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक काम सरकारां दा सिर्फ नहीं है, हुन मोदी सरकार ने, हाँ असीं मानते हैं जड़े बच्चे जिन्हां दे माँ बाप नहीं रहे कोविड च, उन्हां लई एक इन्हां ने फंड भी किया है कि जी 18 साल तो इन्हां नूं ए मिलेगा, बट जड़े बच्चे जे जड़े पहला पॉवर्टी लाइन ते नहीं सी पर हुन नीचे चले गए, उन्हां दा की कर रहे असीं एज अ सोसाइटी? ये बहुत जरूरी है कि असीं सिखाइए अपने बच्चों कि कहो जिहा तुसी खाना पीना है, कहो जिहे कपड़े पाने हैं, तो ऑलसो कहो जी सोसाइटी तुसी बनानी अपने नेड़े तेड़े, अपनी सफाई रखो, अपने बाकी जड़े बच्चे हैं उन्हें दी हेल्प करो, अपनी सोसाइटी दी हेल्प करो. ये इनकलकेट करना सारे पेरेंट्स का ही काम है, तो वो असी कर रहे हैं. अच्छा, गवर्नमेंट नू किवें देखदे हो तुसी? कोविड तो बाद पहला प्रधानमंत्री होना ने एक अपना फंड भी बनाया सीगा, रिलीफ फंड है ना, PM केयर रिलीफ फंड बनाया सीगा, वो भी कहंदे सी भी असीं बच्चों की हेल्प करांगे, उन्हां चीज़ां नू लैके की कहना चाहुंदे हो? देखो जी, लॉजिस्टिकली ये बहुत वड्डा टास्क है, आपां छोटे बंदे ये हर चीज़ नू कह के कि तुसी गलत कर रहे हो तो तुसी नहीं ठीक कर रहे, ये बहुत ही गलत चीज़ है कहना. मेरे अकॉर्डिंगली PM केयर है, उन्होंने कुछ किया है, हुन साडे जिहड़े असी जागरूक सिटीजनज़ है सानू अगे आके क्वेश्चन करना चाहिए है कि जी हुन तुसी केयर PM केयर शुरू किया सी, हुन इहदा तुसी की करदे पए हो, तो सानू डिटेल दो, तो नाले साड़ी जिहड़ी एजुकेटेड लॉट है साड़ी सोसाइटी वो भी आके वधन ते अगे ते कहन कि चलो तुसी तां कर ही रहे हो ते असी भी खड़े हां तुहाडे नाल, हुन तुसी दसो कि करना. यू नो ये ज़्यादा जरूरी है दैन यू नो पॉइंटिंग आउट कि तुसी ठीक नहीं किया तो तुसी नहीं कर. लॉजिस्टिकली बहुत वड्डा टास्क है जड़ा सारिया ही गवर्नमेंट्स कर रही हैं, नॉट ओनली मोदी सरकार, तुसी US ले लो, कैनेडा ले लो, सारिया ही सरकार कर रही हैं, बट उत्थे उन्हां दी सोसाइटी च ये चीज़ एक तरह एम्बाइब्ड हुंदी है कि जी असी भी करना है, तो इत्थे वो चीज़ मिसिंग है. सो कुछ बच्चियां भी हैगियां ने जो इस संस्था दे नाल इस इनिशिएटिव नू लेके जुड़ियां हुई ने, गलबात करांगे, बेटा कैसे देखते हो? आपने एक बड़ा इनिशिएट लिया है अपने साथियों के साथ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुमेर भाटिया को हेल्प करते हुए, क्योंकि मैं भी बच्चों को देखती हूँ, वो नंगे पैर गरम गरम सड़कों पे चलते हैं तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सुमेर भाटिया को हेल्प करते हुए, द हेल्पिंग फिन इनिशिएटिव को, तो
ये जी गोल्फर है यहाँ पे चंडीगढ़ में, इन्होंने कई टूर्नामेंट्स जीते हैं, और ऐसे बच्चे जो इतने बिजी हैं अपनी पढ़ाइयों को लेके, 9th grade में है ये जी स्ट्रॉबेरी फील्ड्स में, ये भी 9th grade में है स्ट्रॉबेरी फील्ड्स में, जो इतने बिजी हैं अपनी पढ़ाइयों को लेके, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके, और उसके बाद ये अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ करना भी चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो HS लक्की भी मौजूद ने, गलबात करांगे सर, किवें देखते हो बच्चों ने बहुत वधिया कि इनिशिएटिव लिया वा, देखते हैं की कहना, सरकारां दीआं जिम्मेवारियां भी बनदियां ने इन्हां चीज़ां नूं लैके, चलो लोग भी मदद करते ने हर पद्धर ते करदे ने, अज दा जिहड़ा इन्हां ने इनिशिएटिव लिया वा, हैना, किवें देखते हो? ये जो हैल्पिंग फीट इनिशिएटिव है, एक कलरिंग बॉक्स एक NGO है, और वो नाल मिलके इनिशिएटिव लिता गया, और सुमेर भाटिया खास तौर पर 35 sector का मुंडा है, यंग नौजवान बच्चा है, वो होर भी बच्चे लगे हुए हैं, ये सारे बच्चों ने मिलके इनिशिएटिव लिता, और बड़ा अच्छा लग्या कि जोड़े गरीब बच्चे जिन्हों को पैरों च पाने वास्ते जुत्ती नहीं है या शूज़ नहीं है, अज वो स्कूल जा नहीं सकते, महरूम है, सड़क पर खड़े ने, गरीब बच्चे ने, भीख मंग रहे ने, ये बच्चों के मन के विच आया कि यहोजे बच्चों को मदद की जाए। मैं समझिए सरकारां दीआं नलैकियां ने जो लोगों नूं मदद करनी आ, चलो ठीक है, चंगी गल करनी चाहिए है, लगता नहीं कितना कितने सरकारां दी वड्डे पद्धर ते अणगहली समझ ली गई भी वो इन्हां वल ध्यान नहीं दे रहे, या वो की कमजोरियां ने सरकार दीआं इन्हां चीज़ां नूं लैके, जिहड़ी उन्हां दे बणदे हक ने आम बच्चों के उन्हां नूं नहीं दिते जा रहे। ये बिल्कुल तुसीं ठीक कहा कि सरकारां दी कितने ना कितने कमजोरी भी है, नलैकी भी है, और मैं समझदा कि जिहड़ा सरकार नूं इनिशिएटिव लेना चाहिए, जब आम लोग उस इनिशिएटिव नूं लै जाण, ये ठीक है कि एक इनकलूसिव डेमोक्रेसी दे विच हर बंदे दा हक हुंदा है, सरकार नूं भी अपना काम करना हुंदा है, लोगों भी काम करना हुंदा है, पर जब सरकार की जिम्मेवारी वड्डी है, PM CARES के नाम से फंड से एडे वड्डे वड्डे पैसे इकट्ठे किए गए, कोविड के खास तौर पर देखा किन्ने बच्चे बेघर हो गए, किन्नां दे पेरेंट्स चले गए, कोई ना कोई बीमारी फैल रही, हुण डेंगू फैल गया, चिकनगुनिया फैल गया, लोग परेशान है, जॉब्स लोगों को है नहीं, स्कूल उन्होंने छुट रहे हैं, फीसा उन्होंने दित्तियां नहीं जा रही, और पैरों पाने वास्ते खरीदने वास्ते जुते नहीं है, जब यहोजी संस्था अगे आई है उन्होंने सानू एप्रीशिएट करना चाहिए, सरकार का रोल तो है ही है, मैं समझदा, पर नाल दे नाल मैं समझदा कि अज सानू पॉजिटिविटी नाल उन्हां लोगों नू एप्रीशिएट करन दी लोड़ है जिहड़े ऐसे औखे टाइम ते अगे आके आम लोगों की आम बच्चों की मदद करना चाहते हैं, इस मदद के नाल मैं समझदा कि एक छोटा प्रयास है, पर समुद्र के विच मैं समझदा बाल्टी पाओ उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जे कई बाल्टियां इहोजियां पैणगियां तो समुद्र नू भी फर्क पै जाएगा। मैं तत्थां दे आधार ते गलबात कीती है कि भी किन्ने बच्चे जिहड़े हैगे आ पैरों नंगे हैगे ने, किन्नी लोड़ हैगी, किवें असीं उन्हां नूं कोई हैल्प दे सकते हैं, जां साडे कोल जिहड़े पुराने जुत्ते हैगे असीं वो वेस्ट कर दिंदे आ, उन्हां नूं किवें रीयूज़ किया जा सकता है, बड़े ही तत्थां दे आधार ते गलबात कीती है, एनवायरमेंट नूं लैके भी ये बच्चे जिहड़े हैगे ने काफ़ी ज़्यादा सतर्क होए हुए ने, ते कितने ना कितने जदों आपां आम तौर पर गल्लां बातां करदे आ आपां कहिंदे आ कि भी बच्चे अज दी नौजवान पीढ़ी हैगी मोबाइलों दे विच वड़ी हुई है, पर उस चीज़ नूं ये कितने ना कितने झुठला रहे ने, इस इनिशिएटिव नूं लैके बच्चों की हैल्प करते पे ने, जो साडा एनवायरमेंट हैगा उन्हां चीज़ों नूं लैके अगे वधे हुए ने, सो असी भी उम्मीद करते हैं, असी भी कामना करते हैं इन्हां दे चंगे भविख की, ते नाल ही जो इन्हां ने इनिशिएटिव लए ने एक चंगी राह दे वल अगे वधन। तुसीं बने रहो जगबाणी TV दे नाल, मेरे नाल कैमरा परसन अमित कुमार। पंजाब सरकार वल्लों पंजाब दे किसान भरावां नूं पराली ना साड़न की अपील, असी सारे मिलके पराली नूं ना साड़ के पंजाब नूं प्रदूषण मुक्त बना सकते हाँ, नाल ही पराली नाल साडी जमीन दा झाड़ भी वधा सकदे हां। जे आपां मल कणक दे झोने दे नाल नूं अग नहीं लावांगे, उहनूं मिट्टी विच ही मिलावांगे, तां उहदे नाल साडी जिहड़ी जमीन दी सेहत है बहुत ही चंगी बणदी है, ते झाड़ विच वी वाधा हुंदा है। सरकार वल्लों होर बहुत ज़्यादा पिंडां च कैंप लगा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वल्लों लोकां नूं जागरूक करिया जा रिहा हैगा, इह सरकार दा बड़ा ही वधिया अच्छा कदम है, जो पंजाब सरकार आपां नूं किसानों की बहुत ज़्यादा जी हम मदद कर रही है, अपन सबसिडी दे के मशीनरी के उत्ते कि किसान पराली को अग ना ला, क्योंकि वो एक तो अपना वातावरण बड़ा दूषित होंगे, तो दूजा जी खेत की उपजाऊ शक्ति है वह भी घट होंगी, कितने कितने अपने जो मित्र कीड़े हैं वह भी ये नाल सड़ जाते हैं। 3 साल मैंने हो गए मैं कितने भी अग नहीं लाई, वधिया रिजल्ट आ रहे हैं, जब तो बाण लगियां विच खेत पोला रहिंदा बिल्कुल, तो झाड़ का भी बहुत फर्क पिया। एक किसान भरावां नूं होर अपील है, जो पंजाब सरकार बहुत वधिया उपराला कर रही है, ये जो नाड़ है पराली दे ना साड़ो, वातावरण साफ रहेगा, अपने बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां तंदुरुस्त रहेंगियां। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालों प्रमाणित मशीनां सुपर SMS हैप्पी सीडर सुपर सीडर अते जीरो टिल ड्रिल दी वरतों करो। किसी भी मशीन नूं किराए ते लैण लई हुण आई फार्म मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। पराली ना साड़े जो सब तो समझदार हो।